दोस्तों, दिल्ली में रेगुलर बेसिस की प्राइमरी टीचर्स की रिक्रूटमेंट आई हुई है। सैलरी एज पर 7th सेंट्रल पे कमीशन आपको इसमें मिल जाएगी और फीमेल कैंडिडेट्स को अपर एज लिमिट में 10 साल की छूट यहाँ दी जा रही है। दोस्तों, इस रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई सारी जानकारी बिल्कुल विस्तार से इनके ऑफिशियल डिटेल नोटिफिकेशन के माध्यम से आपके साथ इस वीडियो में मैं शेयर करने जा रहा हूँ। आप वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर से जरूर देखें और ऑल ओवर इंडिया लेवल से टीचर्स रिक्रूटमेंट से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो ठीक है दोस्तों, अब शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। ये है दोस्तों डिटेल्ड नोटिफिकेशन, मैंडेटरी क्वालिफिकेशन देखिए। सीनियर सेकेंडरी या उसके समकक्ष योग्यता 50% अंकों के साथ और उसी के साथ साथ 2 साल का डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन में आपके पास होना चाहिए, चाहे इसे किसी भी नाम से जाना जाता हो, या फिर 10+2 50% अंकों के साथ और उसी के साथ साथ 4 ईयर बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन BEIED आपने कर रखा है तो आप एलिजिबल है, आवेदन कर सकते हैं। इसी के साथ साथ CTET का या STET का पेपर 1 भी आपका क्लियर होना आवश्यक है और हिंदी, मैथ और साइंस में कैंडिडेट्स की अच्छी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए और इंग्लिश मीडियम में भी बच्चों को पढ़ा पाए। तो ये है क्वालिफिकेशंस। और दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट नोट दिया गया है नीचे, कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ PRT विद BEIED एंड DELED एज क्वालिफिकेशन विद रिक्वेस्टेड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नीड नोट टू अप्लाई अगेन फॉर द पोस्ट ऑफ PRT। हाँ जी दोस्तों, जिन्होंने इन पदों के लिए पहले आवेदन कर दिया था BEIED या DELED के बेसिस पे, उन्हें दोबारा से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। और जिन्होंने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी लगा दिए थे इन क्वालिफिकेशन से जुड़ी हुई, तो उन्हें दोबारा आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। और दोस्तों, जो ये रिक्रूटमेंट है एयरफोर्स स्कूल्स की तरफ से आई हुई है, रिक्रूटमेंट ऑफ प्राइमरी टीचर्स PRT रेगुलर बेसिस एट 3 दिल्ली बेस्ड एयरफोर्स स्कूल्स फॉर द एकेडमिक सेशन 2024-25। हाँ जी दोस्तों, दिल्ली में 3 एयरफोर्स स्कूल्स हैं, तीनों के लिए कंबाइंड नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इससे पहले यह नोटिफिकेशन 26 नवंबर 2023 को जारी किया गया था, पर 26 नवंबर 2023 को जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था, ये देखिए दोस्तों, ये नोटिफिकेशन था जो कि 26 नवंबर 2023 को जारी किया गया था। तो इसमें आप देखेंगे तो PRT के लिए BEd प्लस ग्रेजुएशन प्लस BEd वाले कैंडिडेट भी एलिजिबल थे, पर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया तो उसके बाद BEd पास कैंडिडेट तो एलिजिबल है ही नहीं PRT के लिए। तो ये देखिए, ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड बैचलर ऑफ एजुकेशन, तो पहले ये क्वालिफिकेशन भी थी। तो अब इस क्वालिफिकेशन को यहां से हटा लिया गया है और ये नया कोरिजोंडम जारी करके और दोबारा से आवेदन की प्रक्रिया शुरू की गई है PRT टीचर्स की। 8 जनवरी 2024 से 18 जनवरी 2024 तक आप इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। प्रातः 9 से 1 बजे तक आप अपनी एप्लीकेशन जमा करा सकते हैं। कहां पे? एयरफोर्स बाल भारत स्कूल, लोधी रोड, न्यू दिल्ली, यहां पे गेट नंबर 1 पे आप अपनी एप्लीकेशन जमा करा सकते हैं। 300 रुपए की फीस भी आपको जमा करानी होगी डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से। डिमांड ड्राफ्ट किन के नाम पेएबल होगा, ये सारी जानकारी जो पहले ये नोटिफिकेशन जारी किया गया था 26 नवंबर 2023 को, इसमें प्रोवाइड कराई गई है। आप इस नोटिफिकेशन को भी ध्यान से पढ़ लीजिएगा अगर आप इस PRT टीचर्स रिक्रूटमेंट के लिए आवेदन कर रहे हैं। तो लास्ट डेट मैं आपको बता चुका हूं 18 जनवरी 2024 है। ऑनलाइन मोड में आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा, हार्ड कॉपी ही आपको स्कूल में जमा करानी होगी। ये तीनों एयरफोर्स स्कूल की ऑफिशियल वेबसाइट है, इन तीनों ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको ये डिटेल नोटिफिकेशन और एप्लीकेशन फॉर्म देखने को मिल जाएगा। ये सभी डॉक्यूमेंट हैं जो आपको अपनी एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में लगानी है। आप वीडियो को रोके डॉक्यूमेंट ध्यान से पढ़ लीजिएगा। डेट ऑफ अपलोडिंग ऑफ लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर रिटर्न टेस्ट, हाँ जी दोस्तों, जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उनकी लिस्ट ऑफिशियल वेबसाइट पे 30 जनवरी 2024 को जारी कर दी जाएगी। रिटर्न टेस्ट 10 फरवरी 2024 सैटरडे और 11 फरवरी 2024 संडे को कंडक्ट कराया जाएगा। एयरफोर्स बाल भारत स्कूल, लोधी रोड, न्यू दिल्ली, यहीं पे ये होगा। PRT के लिए अपर एज लिमिट 30 साल है। फीमेल कैंडिडेट्स को 10 साल की अपर एज लिमिट में छूट यहां दी जा रही है, तो ये आप देख सकते हैं। और जहां तक पे स्केल की बात है, पे स्केल फॉर रेगुलर पोस्ट इज एज पर 7th CPC, तो ये आप देख लीजिएगा, रेगुलर ही वैकेंसियां आई हुई हैं। ये देखिए साफ साफ यहां लिखा हुआ है, रेगुलर बेसिस की ये टीचर्स रिक्रूटमेंट है, एयरफोर्स स्कूल्स की तरफ से आई हुई है। और दोस्तों, ये ऑफिशियल वेबसाइट है एयरफोर्स स्कूल सुब्रतो पार्क की, तो यहां आप देखेंगे TAFSSP.com
ऑफिशियल वेबसाइट पे ऊपर ये देखिए क्लिक फॉर व्यू रिक्रूटमेंट, आप यहाँ क्लिक करेंगे ये पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। जो पहले रिक्रूटमेंट आई थी उनके एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं, पीजीटी के जारी कर दिए गए हैं, टीजीटी के, फिजिकल एजुकेशन के, लैब असिस्टेंट के, बाकी पीआरटी के लिए फॉर्म दोबारा से निकाले गए हैं इस कोरिजोंडम नोटिस के माध्यम से। तो आप कोरिजोंडम यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, डिटेल्ड नोटिफिकेशन यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और एप्लीकेशन फॉर्म ये जो तीसरा लिंक है इस पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, मेन मेन सारी जानकारी इस रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई बिल्कुल विस्तार से आपके साथ इस वीडियो के माध्यम से शेयर की गई। वीडियो अच्छा लगा तो आप भी इसे लाइक और शेयर करें। तो ठीक है, आज अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।